वेलकम टू यट एन अदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल एंड आई जी सी एस फिजिक्स फ्राम टी एस और आज के इस लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं और उनका आपस में क्या डिफरेंस है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ वहाँ से देख सकते हैं So क्या है एक्सेलरेशन हम तब यूज करते हैं जब चेंज हो रही हो जब विलास्टी में चेंज हो रहा होगा तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन हो रहे हैं अब ये जो चेंज है इसको हम अभी स्टडी करते हैं कि ये टू टाइप्स का होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है अब एक्सलरेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम जरा इलेबोरेट करते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो आप फर्ज करें कि पहले एक ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आफ्टर टू सेकंड्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके 25 मीटर पर सेकंड है इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड टू 25 मीटर पर सेकंड अब वेलोसिटी में चेंज है इट मींस के यहाँ पे एक्सेलरेशन लाजमी हो रहा है तो अब वो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं तो उसकी जो फार्मूला है वो हम उसकी डेफिनेशन से ही ड्राइव करते हैं डेफिनेशन क्या है कि डेफिनेशन ये है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब यहां पे रेट से क्या मुराद है रेट से मुराद है कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन तो यहीं से हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अब एक्सलरेशन का सिंबल ए होता है ठीक है इसको हम समाल ए से लिखते हैं Acceleration. अब अब क्या है यहां इस अब change in velocity है इस केस में? होता माइनस इनिशियल जो वेलोसिटी बाद में आई है माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है अब इसमें आपने ये चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि बाद वाली कम है या ज्यादा है चाहे कम हो या चाहे ज़्यादा हो जो वेलोसिटी बाद में होगी हम वो पहले पुट करेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे अब इस केस में फिफ्टीन इनिशियल थी बाद में फाइनल ट्वेंटी फाइव गई है टाइम टू सेकंड्स लगे हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम अब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो ये चेंज कितना आ गया ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन टेन डिवाइडेड बाई टू दैट इज फाइव तो अब बेसिकली फाइव ये चेंज वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई टाइम है तो मीटर पर सेकंड पर सेकंड इट मींस के मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का निकलेगा अब यहाँ पे एक तो इसका सिंबल हमने देख लिया कि ए होता है इसका यूनिट हमने देख लिया कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एम एस माइनस टू अब यहाँ पे वो केस था कि के वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हुई थी तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है तो हमने एक्सलेशन देखा पॉजिटिव आया अब हम दूसरा केस लेते हैं कि वेलोसिटी पहले 20 मीटर पर सेकंड थी आफ्टर टू सेकंड्स वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हुई है अब ये है तो यही फाइनल क्योंकि बाद में आ रही है और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है तो अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फाइनल माइनस इनिशियल है यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है जब वेलोसिटी कम हो रही होगी 20 से 10 हो रही है डिक्रीज हो रही है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त नेगेटिव होगा और इस नेगेटिव एक्सलेशन को हम डीलेशन या हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता ये भी एक्सेलरेशन ही है बस नेगेटिव है तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं इसमें माइनस का साइन आता है तो ये कंसेप्ट है जिससे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है हमने उसकी डेफिनेशन देखी उसका फार्मूला देखा यूनिट देखा सिंबल देखा दो एग्जांपल्स की जिससे आपको बड़ी आसानी से इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन है कोई बात समझ नहीं आई तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करें टीएसएम अकेडमी वहाँ पे आपको रेस्पोंड करेगी और आप कोई कन्फ्यूजन क्लियर करेगी थैंक यू